दोस्तों नमस्कार और वर्मा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और स्वागत काफ़ी दिनों बाद है क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और आज है मंगलवार 9 मई और आज है बहुत ही अच्छा दिन क्योंकि हमारी कॉलोनी में मारुति कुंज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जो कि एक हनुमान चालीसा का पूरा वो पाठ पढ़ाया जाएगा और उसके बारे में जो मंदिर है मारुति कुंज में करा जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में इसका टाइम रखा गया है 7:30। इसलिए मैं निकलने वाला हूँ, मैंने सोचा ब्लॉग बनाया जाए क्यों ना, इतना अच्छा दिन है, मंगलवार है और सबों को सम्मिलित होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे आज क्या क्या है, इसलिए मैं थोड़ा निकल रहा था, मैंने कहा जितना होता उतना तो बनाए, पब्लिक को दिखाएं, काफ़ी टाइम हो गया था ब्लॉग नहीं आया था। तो चलो आगे मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है और क्या मैं तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा अपना हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा वाला जो कि एक सामूहिक रूप से करा उसको अटेंड करूंगा। मिलते हैं आगे आपको दोस्तों। और मैं पहुंच चुका हूं अब मारुति कुंज में श्री राम मंदिर और वहां जो प्रोग्राम हो रहा है मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है उसके। देखो यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे और स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं सबसे पहले, जय हो। और इसके बाद अब जो स्टार्टिंग हो रही है वो सब पब्लिक आ रही है धीरे धीरे करके, अभी तो शुरुआत हो रही। आप सभी का मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सामूहिक सब इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वैसे तो हम सब सनातनी अपने घर में हर आदमी रोज हनुमान चालीसा पाठ करता ही है। साढ़े सात बजे हनुमान चालीसा सामूहिक सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर में उसका पाठ करने का निर्णय लिया है। Yeah.
दोस्तों, अब हो चुका है हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि 10-15 मिनट का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में काफ़ी लोग आए और यह फर्स्ट टाइम एक बार कहा गया था, इसमें काफ़ी लोग एकत्रित हुए
और अच्छा लगा, और मैंने भी पार्टिसिपेट करा और आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जिसमें कि हमारे कॉलोनी के सभी लोग, सम्मानित लोग इकट्ठे हुए थे। और आगे देखते हैं, आगे ये चलता है, जैसे भी बात कर रहे थे कि अब हर मंगलवार को ऐसे किया जाएगा। और मिलते हैं आपको आगे। ये ब्लॉग कैसा लगा आपको और मैंने क्या क्या दिखाया, कुछ होंगी कमियाँ, मगर आप इस ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री राम।